चंकी पांडे मल्टी स्टारर फिल्में कर थक चुके थे और वो सोलो हीरो का रोल करना चाहते थे। ठीक उसी वक्त राजीव राय ने उनके सामने फिल्म त्रिदेव का ऑफर रखा। तीन हीरो वाली इस फिल्म में सनी देओल और नसीरुद्दीन शाह पहले ही कास्ट हो चुके थे। चंकी पांडे फिर से मल्टी स्टारर फिल्म में काम नहीं करना चाह रहे थे, लिहाजा राजीव राय ने उनके रोल के लिए जैकी श्रॉफ को कास्ट किया। त्रिदेव सुपरहिट रही। त्रिदेव को नकार कर गलती करने का एहसास चंकी पांडे को हो गया, लिहाजा त्रिदेव के बाद जब राजीव राय एक और फिल्म बनाने जा रहे थे जिसमें भी तीन हीरो थे, जब चंकी पांडे को इस फिल्म के बारे में पता चला तो वे भागे भागे पहुंचे राजीव राय के पास और उन्होंने इस फिल्म में काम करने की इच्छा जाहिर की। त्रिदेव के बाद जैकी श्रॉफ की डेट्स नहीं मिल रही थी, लिहाजा अपनी आने वाली फिल्म के लिए राजीव राय ने चंकी पांडे को साइन किया। ये फिल्म थी विश्वात्मा। ये फिल्म भले ही त्रिदेव जितनी कामयाब नहीं रही हो, लेकिन चंकी पांडे ने अपनी गलती जरूर सुधार दी।